आज हमने सोचा क्यों ना शहद निकाला जाए। वैसे हम काफी टाइम से सोच रहे थे कि हमने शहद निकाला है तो पापा को खाया मक्खी ने, मजा आया मजा। बन गया बन गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय सिंदूरम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद आज अच्छी सी धूप खिली है और मैं फटाफट से पहले तो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके बाद कपड़े धोती हूँ शिवा के, और जो पिछले कल भी धोए थे वो भी नहीं सूखे हैं तो और आज भी धोने को है कपड़े। तो पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं फटाफट से और उसके बाद धोते हैं कपड़े और आपको दिखाती हूँ अभी मौसम कैसा है आज। मौसम काफ़ी टाइम के बाद, दो चार दिन के बाद धूप खिली है और मम्मी सुबह सुबह हमारे यहाँ पहुँचा क्योंकि सिम्बा ने बहुत गंदा किया होता है तो पोछा तो मारना ही पड़ता है एक बार दिन में पौड़ियों में। तो ये है हमारे टंगनू जो कि बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और थोड़े से ज़्यादा हमने नहीं लगाए हैं, थोड़े से है क्योंकि जो हमने यहाँ पे लगाए थे, जहाँ पे आपको खाली जगह दिख रही होगी, जो हमने यहाँ पे लगाए थे वो एक भी नहीं उगा, वो सारे पता नहीं ख़राब हुए, पुराने थे या चिड़िया ने खा लिए, पता नहीं क्या रीज़न था। तो ये दिए हमें अनु भाभी ने, पौधे दिए थे उन्होंने छोटे छोटे, तो ये थैंक गॉड ये लग गए हैं और देखो कितने बड़े बड़े गए हैं, कितने लंबे लंबे हो गए ये वाले। तो ये तो अभी कच्चे हैं, इनको तो मैं नहीं काटूंगी। और जो कटाई के लिए आए हैं वो आए हैं ये वाले, क्योंकि कटाई के लिए जो थोड़े से ऐसे सूख से जाते हैं वो कटाई के लिए होते हैं तो उनको ही हम काटेंगे। तो अब मैं कटाई शुरू कर रही हूँ। तो अब हम इनको ले जाएंगे आंगन में क्योंकि इनको हमने सुखाना है अच्छे से, उसके बाद इसके अंदर से जो बीज है वो निकलेगा। अब हम इनको धूप में अच्छे से रखेंगे ताकि अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आज आलू के पराठे और तरुण को आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो तरुण का होता है कि 10 दिन में या हफ्ते में एक बार आलू के पराठे ज़रूर बनने चाहिए और यहाँ पे मैंने बना दिया साथ में चाय। ब्रेकफास्ट के बाद हम चले गए थे खेत को आलू निकालने और हमने आलू निकालना स्टार्ट ही किया था, पर इस बार आलू उतने ज़्यादा अच्छे से नहीं है जैसे और बार होते थे। इस बार छोटे छोटे आलू है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है और कम लगे हैं, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग तो बहुत कम थे इस बार के आलू और आप देख सकते हैं ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ठीक सा साइज़ है। इतने आलू हमने निकाल दिए थे और उसके बाद हमने सोचा क्यों ना आलू को भून के भी खाया जाए। उसके बाद मैंने जलाई थोड़ी सी आग और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आलू डाले थे बहुत सारे और दो थोड़े कच्चे रह गए थे तो पहले तो मैंने क्लिप नहीं बना पाई। यहाँ पे हम खा रहे हैं आलू और देखने में जितना यमी है उतने खाने में भी उतना ही यमी था, क्योंकि भून के जो खाने में मज़ा है ना आलू का, वो मुझे बॉयल करके उतना ज़्यादा नहीं अच्छे लगते और भून के बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और अगर आप लोगों ने भी किसी ने भून के खाए आलू तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे खा रही हूँ आलू और मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आप मेरी शक्ल देख के आपको लग ही गया होगा पता कि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। और उसके बाद मैं घर आई और मुझे सामने दिखा एक खीरा तो मैंने इसको तोड़ दिया था क्योंकि लंच के लिए काम आ जाना था ये हमारा। आज हमने सोचा क्यों ना शहद निकाला जाए। वैसे हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हमने शहद निकाला है तो टाइम नहीं लग रहा था, तो आज हमने डिसाइड कर ही दिया है कि अभी हम शहद निकालेंगे। पहले हम सोच रहे थे शाम को निकालें, फिर डैडी ने बोला कि अभी निकालता हूँ, तो अब चलते शहद निकालें तो आपको भी दिखाएँगे किस तरह से हम शहद निकालते हैं। तो तरुण और डैडी जा रहे हैं शहद निकालने और तरुण तो शहद निकालेंगे नहीं क्योंकि उनको लगता है बहुत ज़्यादा डर और ना ही उन्होंने आज तक कभी निकाला है शहद, तो डैडी निकालेंगे शहद और तरुण बनाएंगे वीडियो तो आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे वो शहद निकालेंगे। और मधुमक्खी का डर भी रहता ही है तो उनको खाती है मधुमक्खियाँ क्या होता है, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, पूरा ज़रूर देखिएगा, हम दिखाएँगे आपको कि किस तरह से हम शहद निकालेंगे। Thank you.
सकती हूँ। पापा को खाया मक्खी ने, मजा आया मजा। तो भी शायद निकाल दिया डैडी जी ने, और उसकी वीडियो हम पूरी नहीं दिखा पाए क्योंकि उससे पहले ही तरुण को मधुमक्खी ने काट दिया था और वो भागते भागते किचन की ओर आए थे कि कुछ ठंडा लगाने को, इसमें क्या लगाऊं मैं। तो वो वीडियो तो हम नहीं पूरी बना पाए, पर आपको दिखाते हैं कि कितना शायद हमने निकाला है। वो शहद, ये शहद थोड़ा सा मतलब ये लगभग पूरा खा लिया था मधुमक्खी ने। हम थोड़ा लेट हो गए, मतलब 15 दिन तो हम लेट हो ही गए थे। अगर हम 15 दिन पहले निकालते तो इसमें शहद होता, पर इसमें थोड़ा शहद है, थोड़ा सा ही होगा इसमें। जो अभी का शहद होता है ना, बोलते हैं कि ये दवाई के लिए भी बहुत काम आता है, जैसे कुछ खांसी हो या कुछ हो, मतलब आयुर्वेद के तौर पर भी ये शहद काम करता है। तो मैं थोड़ा सा टुकड़ा लूँगी खाने को क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। बाकी तो कोई नहीं खाता यहाँ पर मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि इतना टेस्टी होता है ना ये खाने को, बहुत ज़्यादा। और हमारी भाषा में इसको बोलते हैं काष्टे, और बाकी क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट हम काष्टे बोलते हैं तो मुझे वही पता है। और ये खाने को इतना टेस्टी होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। इतना टेस्टी है ना, अमेजिंग। तो यहाँ पे मैं शहद को अच्छे से छान के डब्बे में भर दूँगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार हमारा थोड़ा सा शहद ही हुआ है क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे शहद निकालने में। तो आजकल तरुण कर रहे हैं वर्कआउट, तो अपने लिए न जाने क्या क्या बनाते रहते हैं, और मैंने भी बोला कि मुझे भी खाना है, क्या बना रहे हो स्पेशल। तो तरुण बना रहे हैं एग रोल, तो देखते हैं ज़रा कैसा बनता है और कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम किचन में अंडे नहीं बनाते हैं, मम्मी बोलते हैं कि नहीं बनाने नहीं बनाने, तो इसलिए तरुण नीचे बना रहे हैं रूम में। प्लेट भी नहीं मिली है तरुण को, गिलास में काट रहे हैं। फिर तुम ऐसे जो बोलते हो सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, कहते हैं अंडे ऊपर आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो स्पेशल तरुण ने अपना सामान नीचे रखा है। छुरी देखो, ने बड़ी वाली छुरी दी मेरे को। ठीक है, ये यूज नहीं होती किचन में, इसलिए आपको यूज करने को दी है। ज़्यादा ले लिया आपने, चीज़ भी डलेगी इसमें। बाद में डाली थी, बाद में मेल्ट नहीं होनी थी, खुद के लिए बना रहे हो आप। हाँ, जब खुद वर्कआउट करते हो तो खुद के लिए बनाते हो, उसमें से अगर आपने थोड़ा सा दे दिया एक स्टिक, उसमें बड़ी बात। अभी अभी तुम्हारे लिए बना रहे, एक रोल अपने लिए बनाऊंगा, एक रोल तुम्हारी शादी भी सारा वेट 8 किलो का। वाह वाह वाह, हो गई जाएगा। ओहो, मैंने रोटी बड़ी बड़ी बनाना है। ठीक है, इतनी बड़ी क्या रोल, दिस इज अ एग रोल। ठीक है, यू गॉट इट। ओह माय गॉड, उतने में जल के राख ना हो जाए।
और जल गए बहुत ज्यादा, ठीक है ना, बन गया बन गया। तो ये आपके एग रोल बन के रेडी हो गए हैं और बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं, देखने में तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं, वो खा के पता चलेगा कैसा है कैसा है कैसा नहीं है। तो अभी मैं खा के बताती हूँ, देखने में जितने टेस्टी यमी लग रहे हैं खाने में भी उतने है कि नहीं है। बहुत टेस्टी है, सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैंने सोचा नहीं था तरुण इतना टेस्टी भी बना सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, थैंक यू। पर ये अपने लिए होता है हमेशा, आज मेरे लिए बनाया है तो थैंक यू सो मच। तो गाइज आज के इस वीडियो को मैं यहीं पेन करती हूँ, होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने शहद निकाला, पर उसकी हम पूरी वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि तरुण को बीच में ही मधुमक्खी ने खा लिया था, तो उसके बाद उन्होंने शूट नहीं किया था। तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी शायद निकालेंगे तो आपसे पूरी वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, इस बार हम नहीं कर पाए उतना। तो आज की वीडियो को भी मैं यहीं एंड करती हूँ, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।